जय हिन्दविवान् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु

In this chapter, first we will learn about these topics which are related to the air that air exerts pressure. Pressure, air expands on heating and contracts on cooling. Hot air is lighter than cold air and rises up. Turn by turn, we will discuss all these three topics. We all know that our earth is surrounded by atmosphere from all these sides. Yes? एटमोसफियर वॉट इज एटमोसफियर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट इज एयर नाउ दिस एयर हैज़ वेट एंड एग्जर्ट्स प्रेशर हमारी अर्थ जो है वो एटमोसफियर से सराउंड की गई है हमारे अर्थ के आस पास एटमोसफियर है एटमोसफियर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी कि एयर है और इस एयर को वेट होता है और वो प्रेशर एग्जर्ट करती है जिस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का प्रेशर है वो अर्थ के हर एक हिस्से पे लगता है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई नाउ वी आर लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो ऑब्वियसली ये जो एटमोसफियरिक प्रेशर है जो एयर प्रेशर है वो हमारे पे भी लगेगा फ्रॉम ऑल द साइड्स सेम वे जैसे अर्थ पे था तो हम अर्थ के ऊपर है तो हमें भी हमारे हरेक सरफेस पर हमारी हर एक साइड पे वी विल फील द एयर प्रेशर ये जो एटमोसफियर एक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है इट इज फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंडस पर स्क्वा इंच एट सी लेवल एवरी स्क्वायर इंच जो है ना सरफेस का वो हमारी बॉडी पे फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंडस फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंड मतलब कितना सिक्स पॉइंट सिक्स के जी जितना हमें पुश मिलता हो ना ऐसा फील करता है ये अकेले ये जो फोर्टीन पॉइंट सेवन किस पे लग रहा है एक इंच स्क्वायर पे एक इंच स्क्वायर मतलब कितना सी समथिंग लाइक दिस एक छोटा सा स्क्वायर है वन बाय वन इंच का उतने पे सिर्फ हमें फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंडस जितना प्रेशर लगता है तो टोटल सिर्फ आप हमारे हाथ की बात करें तो इट फील्स लाइक वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पाउंडस ऑफ प्रेशर दिस इज सेम लाइक होल्डिंग अ स्मॉल कार ऑन योर हैड ओल द टाइम हमेशा हमारे सर के ऊपर एक छोटी सी कार जैसे हम उठा के चल रहे हो ना उतना प्रेशर हमारे पे फील करता है फील हो हम कर सकते हैं उतना और फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंड्स मतलब के जी में कितना हुआ सिक्स पॉइंट सिक्स के जी एक इंच मतलब कितना होता है टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर जितना आता है ओके okay? सो दिस इज़ लाइक होल्डिंग अ स्मॉल कार ऑन अवर हैड बट ये जो प्रेशर हम बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर हमारे सर के ऊपर होता है जैसे हम इतना हम फील करते हैं तो इससे हम क्रश क्यों नहीं हो जाते वाई डोंट वी गेट क्रश्ड बाय द एटमोसफेयरिक प्रेशर बिकॉज एटमोसफियरिक प्रजेंट आउटसाइड अवर बॉडी इज इक्वल टू द एयर प्रेशर प्रजेंट इनसाइड अवर बॉडी हमारी बॉडी अंदर से सेम प्रेशर अप्लाई करती है तो इफेक्ट ज़ीरो हो जाती है देर इज जस्ट एज मच प्रेशर इन साइड आवर बॉडी प्रेसिंग आउटवर्ड्स एज देर इज एयर प्रेशर आउटसाइड आवर बॉडी पुशिंग इनवर्ड्स जितना प्रेशर बाहर से हमारी बॉडी को अंदर की तरफ लगता है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ लगाती है तो सेम प्रेशर हो जाता है तो कैंसल आउट हो जाएगी इफेक्ट ऑल ओवर देर विल बी नो फोर्स एंड इसकी वजह से हम क्रश नहीं होते कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरनल बॉडी प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर है ना एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होते बट स्टिल हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ टिश्यूज होते हैं ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि रिजल्टिंग फोर्स वो विथस्टैन कर सकते हैं उनको झेल सकते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बोला था कि हम लर्न करेंगे एयर एग्ज प्रेशर ठीक है तो प्रेशर क्या, क्या है एटमोस्फेयरिक प्रेशर क्या है दैट ऑल थिंग्स वी हैव लर्न सो so, ये हमारे पे प्रेशर एग्जर्ट करता है उसके बारे में लर्न करें फर्स्ट प्रॉपर्टी एयर एग्जट्स प्रेशर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं यू हैव टू टेक वन टिन कैन विथ अ लिड लिड वाला कैन लेना उसमें आधे तक पानी भर लो फिर उस कैन को गर्म करो कैंडल फ्लेम से तब तक जब तक अंदर जो पानी है ना वो उबलने ना लगे फिर पानी को उबलने दो थोड़े मिनट तक फिर कैंडल को बुझा दो और तुरंत ही आपने जो लिड था ना वो टाइटली कैन पे बंद कर दो पहले हमने बंद नहीं किया था लिड अभी बंद करेंगे फिर केयरफुली इन शैलो मेटल वेसल और, और वॉश बेसिन ये कैन उठा के लेके जाओ कहीं पे भी और उसके ऊपर ठंडा पानी डालो क्या देखोगे जैसे ही आप ठंडा पानी इसके ऊपर डालोगे ना कैन है ना वो क्रश हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ देखते हैं पूरा अच्छे से समझते हैं देखो ये कंटेनर है पहला वाला देखो आधा पानी से भरा हुआ है और आधा उसमें हवा है ठीक है फिर हमने बॉयल किया तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया बाकी सारा पानी भी जो है वो एयर में कन्वर्ट हो गया फिर हमने उधर लिड बंद कर दी ठीक है जैसे आपने उसको हीट करना शुरू किया वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो वाटर लेवल कम हो गया एयर का यानी कि स्टीम का लेवल बढ़ गया और आपने उसको कवर कर दिया कवर करने के बाद और कैंडल फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आप उसके ऊपर कोल्ड वाटर पुट कर रहे हो ठीक है अंदर जो है वो सब हीटर है अभी वॉम है गर्म है और बाहर से आप ठंडा पानी दे रहे हो तो ठंडा पानी डालोगे तो उधर जो भी स्टीम थी वो क्या होगी ठंडी होगी तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा वो स्टीम वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कंटेनर में देखो लिखा है ना स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर सो क्या होगा अभी पूरा जहाँ भी, भी वो एयर था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो अभी ऊपर क्या है वैक्यूम एयर है ही नहीं ना अभी सारी जितनी एयर थी वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वैक्यूम क्रिएट हो गया अब भी यहाँ पे जो वैक्यूम है और बाहर के हर तरफ से प्रेशर आ रहा है तो क्या होगा अंदर की तरफ से तो प्रेशर लग ही नहीं रहा सिर्फ बाहर से लग रहा है तो बाहर से जैसे ही प्रेशर लगेगा तो वो क्रश हो जाएगा क्योंकि एयर प्रेशर अंदर का जो कैन का अंदर का प्रेशर था वो कम था बाहर के प्रेशर से इसीलिए कैन अंदर की तरफ क्रश हो गया क्लियर वाटर बॉयल हुआ वाटर कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में यानी कि स्टीम में स्टीम जो है वो पुश आउट करेगी जितनी भी एयर थी वो कैन से बाहर फिर सडनली आप उसमें जैसे ही ठंडा पानी डालोगे तो स्टीम कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो कैन में एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा जिसकी वजह से एयर प्रेशर इनसाइड द कैन विल बी लेस देन द एयर प्रेशर आउटसाइड सो द एटमोस्फियर प्रेशर एग्जर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन ऑल द साइड्स कैन डिस्टोर्ट द कैन इसीलिए कैन का शेप डिस्टोर्ट हो गया खराब हो गया चेंज हो गया क्लियर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम प्रॉपर्टी लर्न करते के लिए समझने के लिए एयर एग्जर्ट प्रेशर इसके लिए क्या करेंगे एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल लेंगे उसमें हम गर्म पानी डालेंगे हॉट वाटर डालेंगे आधा भरेंगे और तुरंत ही उसको एम कर देंगे और फिर कैप लगा देंगे उस पर फटाफट टाइट लगाना एकदम कैप उसका फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे क्या करना है एक बॉटल लेनी है उसके अंदर पानी भरना है हॉट वाटर भरना है आधे तक फिर तुरंत उसको एम कर देना है अब जैसे ही उसको एम करोगे तो बॉटल में जितनी भी एयर थी वो भी गर्म हो जाएगी गर्म पानी की वजह से ठीक है फिर फटाफट आपने क्या किया कैप लगा दिया फिर आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो सेम हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट होगा है ना और एयर जो बॉटल जो है वो क्रश हो जाएगी अंदर की तरफ अंदर की जो भी वार्म एयर थी ना वो वाम तो हो गए अभी मैं वो भी बताया कि जैसे ही वाम होगी तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है कैसे हॉट एयर एक्सपांड होती है ना तो जैसे ही एक्सपांड होगी तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी इसलिए वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आधे से ज़्यादा तो बाहर चली गई होगी इसलिए अभी अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट होगा क्योंकि अभी थोड़ी सी एयर बाकी होगी फिर उसके ऊपर आप गर्म अंदर गर्म है बाहर से ठंडा पानी डालोगे तो हॉट एयर जो है वो कोल्ड हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और अंदर का बॉटल का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा द प्रेशर बाहर जो थे वो ज़्यादा थे क्लियर देखो हॉट वाटर डाला अंदर की एयर गर्म हुई गर्म हुई तो पी नो दैट हॉट एयर ऊपर जाएगी एक्सपांड होगी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी है ना कोल्ड एयर ऑक्युपाइज लेस स्पेस जो लेफ्ट में दिखाया है में एयर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो ज़्यादा करने जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगी ना थोड़ी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह ज़्यादा होती है क्लियर This is the same thing air expanded, went out from the bottle, and at the end, when you put the cold water in it, the bottle will get crushed. Air contracts the bottle, pressure inside the bottle is decreased, and thus the bottle crushed inwards from all the sides. I hope it is clear to you now. While riding a bicycle or rowing a boat, if wind is blowing in the opposite direction, द इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ड्राइव और सेल मूविंग एयर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एग्जर्ट्स प्रेशर देखना ये आप सब ने फील किया होगा आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो बोट है साइकिल है तो अगर सेम डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो विंड भी उसी डायरेक्शन में ब्लो करेगी तो विंड आपको सपोर्ट करेगी अगर सामने से हवा आ रही है आपको तो वो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना साइकिल चलाने के लिए सो वेन वी फील एयर इन द बाईसाइकिल टायर डूकम स्लाइट जैसे आप साइकिल के टायर में हवा भरोगे तो वो लाइट हो जा टाइट हो जाएगा एकदम टाइट हो जाएगा वो ना अगर आप उसमें और एयर फील करते जाओगे तो वो क्या होगा बस्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो गया लीव्स ऑफ ट्री और पेपर और फ्लैग ये भी सब मूव कर सकते हैं विंड के साथ साथ ड्यू टू एयर प्रेशर देखो अगर विंड हमारी डायरेक्शन में है जैसे येल्लो एयरो दिखा रहा है हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं Wind भी उसी डायरेक्शन में है देन इट इज इजी टू राइड द बाई साइकिल इफ द विंड इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है जैसे ब्लू एरो में दिखाई दे रहा है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइड द बाई साइकिल ओके सेम इज वो द बलून बलून गेट्स इन्फ्लेटेड वेन एयर इज फिल्डिंग इट ये पहला था दूसरा करते हैं एयर एक्सपांस ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग एक्सपांड होना मतलब इंक्रीज होना साइज में कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब साइज में छोटा होना तो हीट करने से गर्म करने से एयर एक्सपांड होती है और ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके बारे में देखते हैं चलो सबसे पहले आपको एक बलून लेना है उसको थोड़ा सा ही इन्फ्लेट करना है थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा फुलाना उसको और एक बॉटल के माउथ पे उसको टाइटली फिक्स कर दो थ्रेड बांध के ठीक है अभी एक मग में आप हॉट वाटर लीजिए और दूसरे मग में आप कोल्ड वाटर लीजिए बारी बारी आप आपकी जो बॉटल है ना उसको बारी बारी एक एक मग में रखिए एक बार बॉटल उठा के कोल्ड वाटर में रखिए एक बार बॉटल उठा के हॉट वाटर में रखिए और जब आप रख रहे हो ना तभी आप बलून की साइज़ को ऑब्जर्व करिए जैसे ही आप उसको हॉट वाटर में रखोगे ना तो बलून की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इन्फ्लेट हो जाएगा देखो है पहला वाला है कोल्ड वाटर है उसमें हम बॉटल डालेंगे तो बलून थोड़ा सा ही फूला हुआ है हॉट वाटर में डालोगे तो ज़्यादा फूल जाएगा कैसे बॉटल जो थी उसमें पानी तो नहीं था पर एयर तो थी ना तो इससे हम बोल सकते हैं कि गर्म पानी की वजह से बॉटल के अंदर जो एयर थी वो भी गर्म हुई अभी हॉट एयर हो गई हॉट एयर एक्सपांड करेगी ज़्यादा उनको जगह चाहिएगी सो इट विल ट्राई टू एस्केप आउट फ्रॉम द बॉटल तो वो बलून में जाएगी और बलून को एक्सपांड करेगी क्लियर कोल्ड एयर क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बलून को डीफ्लेट करेगी बल्कि हॉट एयर जो वार्म एयर है एक्चुअली वो एक्सपांड करेगी और राइज अप हो रही है जिसकी वजह से बलून इनफ्लेट हो जा रहा है क्लियर क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो स्पेस को कम ऑक्यूपाई करते हैं और हॉट एयर यानी कि वार्म एयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होती है इसीलिए वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कमिंग टू द थर्ड वन हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड राइजेस अप हाउ यू मेक वन वे इंग बैलेंस यूजिंग पेपर बैग्स एंड थ्रेड एंड स्टिक क्या करेंगे दो पेपर बैग लेंगे ठीक है उसको उल्टा टांग लेंगे हम लोग थ्रेड के हिसाब से जैसे इधर दिखा रहे हैं ना ऐसे पर उल्टा आपको बांधना है और वो थ्रेड आपको स्टिक पे बांधनी है और उस स्टिक के मिडल में भी आपको एक और थ्रेड बांध देनी है फिर आपको बर्निंग कैंडल कैंडल लगानी है कोई भी एक पेपर बैग के पास तो क्या होगा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा जिस जहाँ पे आपने कैंडल रखी है उसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वो वाम होगी तो जैसे ही वार्म एयर उल्टी पेपर बैग तो उल्टी है उसके अंदर जाएगी तो वार्म एयर भी ऊपर जा रही है तो वो पेपर बैग को ऊपर लेके जा रही है सो so, प्रूव हो गया कि वार्म एयर जो है दैट विल राइज अप और कोल्ड एयर जहां पे हमने कैंडल रखी ही नहीं है तो उसके कंपेरिजन में वो हैवी है सो इट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन ओके ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली दिस हॉट एयर बलून ऑल्सो वर्कस हॉट एयर बलून में भी नीचे क्या करते हैं आग लगाते हैं जैसे ही आप वहाँ पे फायर करोगे तो वॉट एवर एयर इज प्रेजेंट दैट विल ऑल्सो बिकम हॉट तो वो राइज अप करेगी जिसकी वजह से वो बलून को भी पूरा ऊपर लेके जाएगी क्लियर यहाँ तक समझ में आया सबको नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी लर्न वेल ईट वेल थैंक यू सो मच